इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1C करी थी, जिसके अंदर हमने इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम को समझा था। इस एक्सरसाइज के अंदर यानी एक्सरसाइज 1D के अंदर हम इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम को समझेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत आसान है, हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा राइट हैंड साइड कहलाता है। एंड आफ्टर एवरी 3 डिजिट वी शो द कॉमा। देखिए फर्स्ट कॉमा हमारा कहलाएगा 1000, देन आफ्टर एवरी 3 डिजिट, मैंने कहा था इंटरनेशनल के अंदर आफ्टर एवरी डिजिट यू शो द कॉमा, तो ये 3 डिजिट हो गई, कॉमा आ गया, देन 3 डिजिट, देन कॉमा, ये हमारा कहलाएगा सेकंड कॉमा, इसको हम कहेंगे मिलियन। उसके बाद फिर 3 डिजिट आ जाएंगे हमारे पास, उसका आएगा थर्ड कॉमा कहलाएगा बिलियन। इंडियन सिस्टम में क्या था, फर्स्ट 3 डिजिट था, पहला 3 डिजिट के बाद देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट, यानी हमारे पास ये 2 डिजिट आ गए, उसके बाद कॉमा आ गया, फिर 2 डिजिट आ गए, फिर कॉमा आ गया, फिर 2 डिजिट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए इसको और समझने के लिए हम एक एग्जांपल की तरह इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन। देखिए हमारा क्या आएगा, ये हमारा अगर हम राइट हैंड साइड से चलें तो फर्स्ट कॉमा क्या आएगा हमारा, तो फर्स्ट कॉमा हमारा क्या है 1000 वाला, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 43000। उसके बाद क्या है हमारा 671, तो हम इसको लिखेंगे 600 देन 71। नाउ लुक एट द फिफ्थ पार्ट। देखिए 1,369,864,002। अगर आप राइट हैंड साइड से देखें तो ये हमारा फर्स्ट कॉमा है, ये हमारा सेकंड है, और ये थर्ड कॉमा है। फर्स्ट कॉमा 1000 है, सेकंड कॉमा मिलियन है, थर्ड कॉमा बिलियन है। तो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 बिलियन, उसकी बात देखिए हमारा ये 369, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 300 देन 69। अब देखिए कॉमे वर्ड में चेंज करना, कॉमा हमारा सेकंड वाला है तो हमारा क्या कहलाएगा मिलियन, इस कॉमे का नाम है हमारा मिलियन, यानी हर कॉमे को आपको एक नाम देना है। अब बस इतना ध्यान रखना है, फर्स्ट कॉमा है, सेकंड कॉमा है, थर्ड कॉमा है, तो आपको राइट हैंड साइड से काउंट करना है, यानी आपने यहाँ से काउंट करना शुरू करना है। तो ये फर्स्ट कॉमा है तो 1000 कहलाएगा, सेकंड है तो मिलियन, और थर्ड है तो बिलियन। अब देखिए हमारा मिलियन हो चुका है, अब देखिए 864, तो हम यह लिखेंगे 864। उसके बाद देखिए कॉमा आ गया, कॉमा हमारा ये फर्स्ट कॉमा है तो हमारा कहलाएगा 1000। उसके बाद सिंपल सा है, सिर्फ ये 2 है, क्या है ये 2, तो हम ये लिख देंगे 2। अब देखिए मैंने बाकी के पार्ट यानी पार्ट नंबर आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने करके दिखला दिया, कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैंने आपको समझा दिया है, और सिक्स पार्ट ये आपको खुद करना, बहुत आसान है। बस कॉमे का ध्यान रखना है, कौन सा कॉमा है, फर्स्ट कॉमा है तो आपको 1000 नेम उसका दे देना है, सेकंड है तो उसको मिलियन बोलना है, और थर्ड है तो आपको बिलियन बोलना है। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, राइट न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए इनको न्यूमेरल में चेंज करना है, पहले हमने वर्ड्स में चेंज करा था, अब न्यूमेरल के अंदर चेंज करना है। देखिए 400, 6000, जिस तरह के वर्ड आते हैं, 1000 आता है, मिलियन आता है, या बिलियन आता है, इनको हमें कॉमा में चेंज करना होता है। तो 406 पहले हम लिखेंगे 406 देन कॉमा, क्योंकि 1000 आ चुका है, 712 यानी 712 ये आपका आंसर है। ना सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। ये देखिए 7 मिलियन, मिलियन का क्या आएगा, कॉमा आएगा, उसके बाद देखिए 813, तो 813, उसके बाद देखिए 1000 आ गया, 1000 का भी कॉमा आ जाएगा, उसके बाद 300, सिंपल है 300, यानी आपको इनका अगर नाम मिलता है 1000 बिलियन, तो इनको आपको कॉमा में चेंज करना है, और अगर कॉमा दे रखे हो वर्ड्स में लिखना है तो इसको कॉमे को बिलियन मिलियन 1000, इतना ध्यान रखना। कॉमा चेक करने के लिए आपको राइट हैंड साइड से चेक करना होगा कि फर्स्ट कॉमा है, सेकेंड है, या फिर थर्ड कॉमा है। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th, ये आपको खुद करना, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3rd, देखिए यहाँ पर आपको ये नंबर्स दे रखे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर से आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, तो पहले हम इसे कॉम्पैक्ट कर लेते हैं, हो जाएगा 80 देन 500 देन 99, तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा ये। उसके बाद हमें कॉमा पुट करना है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम हमें आफ्टर एवरी 3 डिजिट कॉमा पुट करना है, तो यहाँ पर ये 123 कॉमा आ जाएगा, उसके बाद देखिए 123 फिर कॉमा आ जाएगा, तो हमारा फर्स्ट कॉमा क्या कहलाएगा 1000, उसके बाद मिलियन। अब इसे कह रहे हैं नंबर नेम में भी लिखना है, यानी इन्हें वर्ड्स में भी लिखना है, तो हम ये लिखेंगे इन वर्ड्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए फर्स्ट कॉमा ये है, सेकंड कॉमा ये, तो हम लिखेंगे 8 मिलियन, उसके बाद देखिए 50000, फिर 99, तो ये बहुत आसान था। इंटरनेशनल सिस्टम में पहले कॉमा शो करना था, कॉम्पैक्ट करके उसके बाद इसको वर्ड्स में भी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर शो करना। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग, ये आपका कॉलम दे रखा है, कॉलम ए, और यहाँ पर दे रखा है आपको कॉलम बी,
कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मैच करना है। देखिए आप फर्स्ट में जाएगा 200,000, तो पहले हमें इसे चेंज करना है न्यूमरेशन के अंदर, यानी 200,000 ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर इंडियन सिस्टम में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 200,000 देन 0, उसके बाद हम कॉमा लगा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर 3 डिजिट देन आफ्टर 2 डिजिट, क्योंकि इंडियन सिस्टम के अंदर हमारे पास पहले 3 के बाद आता है फिर 2 के बाद आता है। तो ये हमारा कितना हो गया 1000 देन करोड़, यानी ये हुआ हमारा 2 करोड़। अब देखिए कॉलम बी के अंदर जो ऑप्शन दे रखा है ये है आपका डी और ये है फर्स्ट, यानी हमारा फर्स्ट वाला किससे मैच हो गया, डी ऑप्शन से मैच हो गया। इसी तरह से देखिए आप सेकंड पार्ट में दे रखा है आपका 2 बिलियन। अब देखिए पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं न्यूमरेशन सिस्टम के अंदर, यानी ये हो जाएगा 2, ये बिलियन आ गया कॉमा का, उसके बाद हम यहाँ पर 3 जीरो लगाएंगे, फिर हमारे पास आएगा मिलियन, फिर 3 लगाएंगे ये हमारा आएगा 1000, फिर हमारा 3 जीरो लगाएंगे ये हमारा आएगा 1, 10 एंड 100। अभी से हमें चेंज करना है इंडियन सिस्टम के अंदर, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, उसके बाद देखिए 000 देन 000 देन 000, हम कॉमा लगाते हैं। देखिए फर्स्ट कॉमा था आफ्टर 3 डिजिट होगा, फिर सेकंड कॉमा कहाँ आएगा आफ्टर 2 डिजिट आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा 2 डिजिट। अब देखिए इसके बाद कॉमा होता नहीं है इंडियन सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर ये तो हमारा आएगा 1000 और ये हमारा आएगा लैक और ये हमारा आएगा करोड़, यानी ये कितना हो गया हमारा 200 करोड़, यानी हमारा हो गया 200 करोड़। ये कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन है सी, यानी हमारा सेकेंड पार्ट जो मैच हुआ वो सी ऑप्शन से मैच हो गया। इसी तरह से पार्ट नंबर इसका 3rd एंड 4th आप खुद करेंगे। पहले आपको चेंज करना है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, यहाँ पर कॉलम बी के अंदर आपको चेंज करना है इंडियन सिस्टम के अंदर, फिर आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन उससे मैच हो रहा है, वो यहाँ लिख देंगे आप। इसी तरह से आप टेबल क्रिएट करते जाइए, टेबल सेम टू सेम क्रिएट हो जाएगी। इसी ये हमारी सॉल्यूशन टेबल है, वो आपको क्वेश्चन टेबल दे रखी। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर जस्ट प्रीसीडिंग 729,001। देखिए कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप और प्रीसीडिंग मतलब होता है जस्ट वन स्टेप बैकवर्ड, यानी आपको सिर्फ एक स्टेप पीछे चलना है और कॉन्जिक्यूटिव यानी स्टेप बाय स्टेप चलना है। सो लुक एट द सॉल्यूशन, क्या करिए देखिए हम ये लिखेंगे फर्स्ट प्रेसीडिंग कॉन्जिक्यूटिव इज इक्वल टू देखिए 729,001-1, यानी वन स्टेप हम पीछे आ गए तो हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 729,000। अभी हमारा फर्स्ट निकल चुका है, हम आ जाएंगे सेकेंड, देखिए सेकेंड प्रेसीडिंग कॉन्जिक्यूटिव इज इक्वल टू सेकेंड के लिए हम फर्स्ट वाला नंबर लेंगे जो हमारा आंसर आ चुका है 729,000-1 इज इक्वल टू आ जाएगा 728,999। उसके बाद अब हमें थर्ड निकालना है जो हमारा फाइनल है, थर्ड प्रेसीडिंग कॉन्जिक्यूटिव इज इक्वल टू 728,999-1, इसको हम माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 728,998। तो ये हमारे 3 हो गए, 1, 2, 3। सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।